सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग। सो गाइस, ये एडिटिंग विजय महेश जी ने बहुत ही पहले डाला था, बट ये फ़ोटो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सो मैंने सोचा चलो अपने भाई लोगों के लिए ये एडिटिंग ले आते हैं। सो गाइस, ऐसा एडिट करना आपको बहुत से यूट्यूबर ने बताया होएगा, बट उन्होंने क्या है ना, विजय महेश का ही फ़ोटो चिपकाया है। और जो मैं आपको इस वीडियो पर एडिटिंग करना सिखाऊँगा वो सबसे अलग होगा एंड यूनिक होगा। सो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। एंड मैं आपको इस वीडियो पे ये भी बताऊंगा कि इस टाइप को आपको पोज कैसे देना होएगा, सब कुछ इस वीडियो पे आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। गाइस, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो पता नहीं हम अगले वीडियो पर आपसे मिल पाएंगे या नहीं। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी ऑल कर लो, ताकि हमारी जब भी वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो की तरफ। सो गाइस, ऐसा फोटो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, ऐसा फोटो एडिट करने के लिए आपको कुछ इस पोज में फोटो क्लिक करा लेना होगा। सो आप ऐसे पोज में फोटो क्लिक करा लीजिएगा लेटकर। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये फोटो दे दूंगा, तो आप बढ़िया जूम करके आराम से देख लीजिएगा कि पोज कैसे दिया इस बंदे ने। सो आप ऐसे करके पोज दे सकते हैं, ओके। तो चलिए हम चले जाते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे, वहाँ पर ही एडिटिंग करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। सो बैकग्राउंड एंड पीएनजी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। एंड चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं टूल्स पे और इसे कर लेते हैं रिसाइज। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जो है ना मैं आपको आराम से बताऊंगा, जल्दीबाजी नहीं है। तो वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कुछ समझ में आ जाए ये एडिटिंग। सो वीडियो को लंबा हो जाने दो, कोई बात नहीं है। सो आप यहां से चले जाइएगा ड्रॉ टूल्स पे, एंड ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद जो भी हमारी एडिटिंग रहेगी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सो आप यहाँ से चले जाइएगा लेयर पे, देन आपको ये वाला बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर लेना होगा, और देन आप यहाँ से चले जाइएगा ट्रांसफॉर्म में, एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसे कर लीजिएगा फ्लिप ऊपर के साइड में। ऐसा ऊपर के साइड में फ्लिप करने के बाद आप यहाँ से राइट पे कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप सिंपली यहाँ से चले जाइएगा एड फोटो पे, और एक एम्प्टी लेयर बना लीजिएगा, और एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आप यहाँ से चले जाइएगा एड फोटो पे, और एड फोटो पे जाने के बाद जो भी आपका मॉडल रहेगा, ठीक है, सो उस मॉडल को आप ले आइएगा। सो चलिए मैं ले आता हूँ। सो गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर लिया था, अगर आपको रिमूव करना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। सो वो वीडियो देख के आप कर लीजिएगा। सो कुछ इस टाइप से आप पहले मॉडल को ले आइएगा, देन ऐसा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ऐसा बड़ा करने के बाद सिंपली आप क्या करना, यहाँ से चला जाना लेयर पे, और लेयर पे जाने के बाद जिसमें हमने मॉडल को एडजस्ट किया है उस लेयर पे टैप कर लीजिएगा, देन यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे थ्री डॉट पे जाइएगा और इसे कर लीजिएगा ट्रांसफॉर्म। सो पहले तो हम इसे नीचे के साइड में फ्लिप कर लेते कुछ इस टाइप से, और इस टाइप से करने के बाद आप फिर इसे कर लीजिएगा ट्रांसफॉर्म। सो चलिए हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो आप भी इस टाइप से ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, सो बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका फ़ोटो। तो कुछ इस टाइप से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो क्या है ना, मैं थोड़ा फटाक से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम लग रहा है करने में। सो चलिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एडजस्ट कर लिया हूँ। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ राइट पे डन, एंड डन करने के बाद आप यहाँ से चले जाइएगा एक एम्प्टी लेयर और बना लीजिएगा, देन एक और एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से चला जाना होगा पेंसिल वाले आइकन पे, और इसकी ओपेसिटी को कुछ इतना रख के, और आप थोड़ा सा शैडो डाल लीजिएगा अपने हाथों में, ठीक है। सो इस यहाँ पे हम ऐसे शैडो डाल लेंगे ना तो रियल सा लुक आएगा, जैसे कि हम लोग हाथ रखते हैं तो वहाँ से काला काला सा ऐसे परछाई आने लगती है। सो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ओके। इतनी शैडो डालनी होगी आपको, ज़्यादा नहीं डालनी होगी शैडो। और कुछ आपको फिर क्या है ना, लेयर पर चले जाइए, एक एम्प्टी लेयर और बना लीजिएगा, देन अब आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना होगा, सॉरी वाइट कलर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ से कर लेना होगा डन। एंड डन करने के बाद आप पेंसिल का ओपेसिटी आप कुछ इतना रखिएगा, देन साइज को आप कुछ इतना रख लीजिएगा, ओके, और सेट कर लीजिएगा। और इस टाइप से जो ये खिड़की है ना,
मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही वाइट वाइट से, वो आप ऐसे डाल सकते हैं अपने कपड़ों में। सो ये रियल सा लुक लगेगा अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं। सो इस टाइप से आप कर लीजिएगा। सो मैं चलो कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड इस टाइप से करने के बाद आपको सिंपली क्या है ना, यहाँ से चला जाना होगा लेयर पे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं कुछ इतना ही रखता हूँ। देन जो भी हमारी पिक्सआर्ट की एडिटिंग थी ना, वो सारी एडिटिंग हो चुकी है। तो चलिए हम थोड़ा रीटचिंग कर लेते हैं लाइट रूम से। तो चलिए, तो पहले तो हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद फिर हम चले जाते हैं लाइट रूम में, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं सेव होने का। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ की एडजस्टमेंट आपको बता देता हूँ। सो आप पहले से लाइट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। देन इसका कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। देन शैडो को मैं इंक्रीज़ करता हूँ एंड वाइट को कम करता हूँ। देन ब्लैक को इंक्रीज़। कुछ इतना करने के बाद आप चले जाइएगा अगले टूल्स पे। सो इसकी टीन को डाल लीजिएगा, कुछ थोड़ा सा डालिएगा आप, ठीक है। और ब्राइटनेस डाल लीजिएगा कुछ इतना। देन सैचुरेशन को कर लीजिएगा माइनस। ऐसा कुछ करने के बाद चले जाइएगा मिक्स टूल पे। देन जो फर्स्ट कलर मिलता है तो इसकी सैचुरेशन को कर लीजिएगा इंक्रीज। देन अगले कलर्स पे जाइएगा तो सैचुरेशन को माइनस एंड लूमियंस को कर लीजिएगा इंक्रीज। और ऐसे ही जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस टाइप से अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं अपने हिसाब से, बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो इस टाइप से मैंने कर लिया हूँ। देन यहाँ से कर लेता हूँ डन एंड चला जाता हूँ मैं अगले टूल्स पे। तो इसकी क्लेरिटी को डाल लेता हूँ। देन डेस को मैं भी डाल लेता हूँ एंड विग्नेट इफेक्ट को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। देन ऐसे नीचे स्कोर करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है ग्रीन माउंट। सो थोड़ा सा ग्रीन माउंट डाल लेता हूँ एंड अगले कलर टूल्स पे चला जाता हूँ तो मैं शार्पनिंग डाल लेता हूँ। देन नॉइस रिडक्शन एंड कलर नॉइस रिडक्शन भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। सो पिक्सआर्ट में हमारा फ़ोटो कुछ इस टाइप का था एंड लाइट रूम में आके फ़ोटो को हमने कुछ इस टाइप का बनाया है। सो चलिए शेयर वाले आइकन पर जाके फ़ोटो कर लेता हूँ सेव। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो है ना जो गैलरी पे सेव हो चुका है। सो गाइस प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। सो चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।